अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हमारे यहाँ 50 एक्सीडेंट्स होते रहते हैं हर रोज। लोग पीकर गाड़ी चलाते हैं और ना जाने किस किस को मार के निकल जाते हैं। काफी लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग निकल भी जाते हैं। कई बार लोग जानबूझकर एक्सीडेंट करते हैं किसी का खून करने के लिए। कभी कभी ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो खून है या एक एक्सीडेंट, जैसे इस केस में। इस केस में एक कार ब्रिज के ऊपर से नीचे खाई में गई। ड्राइवर अंदर ही बैठा हुआ था, बेचारा बाहर निकल ही नहीं पाया, वहीं मर गया। लोगों को लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, ड्राइवर के हाथ से कार का कंट्रोल छूट गया होगा। मगर एक आदमी ने एक्सीडेंट के टाइम पे एक फटाके की आवाज सुनी थी। फटाके की आवाज? CID को आवाज फटाके की नहीं लगी, बल्कि एक गोली की थी। हमने कार को खाई से बाहर निकाला, अच्छी तरह से चेक किया, गोली ना तो उस आदमी को लगी थी और ना ही कार को। तो फिर वो आवाज थी किस चीज की? हमने कार को फिर से चेक किया, एक नहीं, दो नहीं, 10 चेक किया। हमारे सब ऑफिसरों ने अलग अलग देखा, मगर नहीं। हमारे ACP साहब अड़ गए, बोला फिर से चेक करो। तब जाके वो चीज दिखी जिसके वजह से वो एक्सीडेंट हुई थी। वो चीज क्या थी और हमें कहां मिली, आप खुद ही देख लो। ड्राइविंग लाइसेंस में इसका नाम रणविजय है। गाड़ी रणविजय नाम का कोई आदमी चला रहा था सर, पर वो शायद एक बिजनेसमैन था। इसका लाइसेंस मिला क्या? यस सर। ये गाड़ी ऐसी गिरी है, ऐसी तो इस आदमी का सर साइड की कांच से टकराया, गर्दन टूट गई और रीढ़ की हड्डी से अलग हो गई। मान गए सर। सब हाँ विवेक, टायर में हवा कम है सर। ऐसा लग रहा है कि ये टायर अचानक पंचर हुआ, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल गई और यहाँ से नीचे गिर गई सर। अच्छा जी, ये तो नॉर्मल एक्सीडेंट का केस लगता है, या हमारा क्या काम? सर एक्सीडेंट होने के पहले एक गाड़ी खड़ी थी सर ब्रिज पे बहुत देर तक। कहाँ पे? यहाँ पे सर। और एक्सीडेंट होने के बाद वो गाड़ी तुरंत निकल गई सर। गाड़ी में से कोई भी नहीं उतरा ये देखने के लिए कि रणविजय बच सकता था या नहीं। अच्छा, किसी ने देखा उसे? यस सर, इन्होंने देखा है। आपने देखा था? जी हाँ सर। गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं सर, वो तो मैंने नहीं देखा। एग्जैक्टली क्या देखा था तुमने? हैं? सर एक्सीडेंट का आवाज़ सुन के मैं नीचे आया तो देखा कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और बगल में एक और गाड़ी खड़ी है। लेकिन सर जब मैं और नज़दीक आया तो देखा कि बगल वाली जो गाड़ी खड़ी थी वो चुपचाप निकल गई। किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा और फौरन यहाँ से चला गया? शायद किसी ने प्लान बना के एक्सीडेंट करवाया हो। सर आप रेडी? क्या ये देखिए सर, क्या ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगता है, माइक्रोफोन जैसे। माइक्रोफोन यहाँ पे? अरे सुनो। जी सर। इस चीज को पहचानते हो? नहीं सर, नहीं पहचान। अच्छा, यहाँ पे कोई आसपास रिकॉर्डिंग स्टूडियो है क्या? हाँ, पास ही में एक है सर। ये टूटा हुआ माइक आपको कहां से मिला? ये ब्रिज के पास। ब्रिज के पास से? लेकिन ये तो सुधीर का माइक है। माइक्रोफोन का ही है ना ये? हाँ, हमारा जो साउंड इंजीनियर सुधीर है ना, मैंने उसको ब्रिज के पास कुछ रिकॉर्डिंग के लिए भेजा था।
लेकिन वहां से वो खाली हाथ वापस आ गया। ये सुधीर अभी है कहाँ? आइए सर, ये है सुधीर। सुधीर क्या बात सर? ये माइक्रोफोन तुम्हारा ही है ना? हाँ। तुम इसे वहां ब्रिज के पास से क्यों फेंक के आ गए? एक्चुअली सर, मैं जिस फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके लिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें चाहिए, लाइक बर्ड्स की, व्हीकल्स की, इसलिए गया था वहां पर। तो रिकॉर्डिंग बीच में ही छोड़ दिया? हाँ, माइक वहीं फेंक दिया। वो सर, जब एक्सीडेंट हुआ था तो तुम कहाँ पे थे? एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? देखो सुधीर, तुमने अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें साफ साफ ये बता दो कि तुमने वहां पे क्या देखा और सुना, समझे? हाँ सर, मैंने एक आदमी का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। तो फिर तुमने उस आदमी की मदद क्यों नहीं की? सर, मैंने एक गोली चलने की भी आवाज सुनी थी और मैं बहुत डर गया था। गोली चलने की आवाज? एक्सीडेंट के टाइम पे वहां पे गोली चली थी? हाँ सर, एक गोली चलने की आवाज आई थी और फिर कार ब्रिज से टकरा गई। मगर लाश पे तो कोई निशान नहीं है गोली का, और ना ही कार पे दिखाई पड़ा। सर, मैं एक रिकॉर्डिस्ट हूँ और पिछले कई साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आवाज गोली की ही थी। आप चाहे तो मैं आपको सुना भी सकता हूँ। तो तुमने वो साउंड रिकॉर्ड कर दी? यस सर। गुड, चलो सुना। सुना सर आपने? गोली की आवाज है। सुधीर, रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके फिर से सुनाओ, और हाँ, इस बार वॉल्यूम फुल रखना। यस सर। आवाज तो गोली चलने की है, मगर वहां तो हमें कोई गोली मिली नहीं। सुधीर, ये इस रिकॉर्डिंग को जरा स्लो मोशन में कर सकते हो? टायर पे गोली लगी है। वहां पे कोई दूसरा आदमी पहले से वहां खड़ा था, जिससे मालूम था कि ये आदमी वहां से आने वाला है। चलो चल के देखते हैं टायर में गोली है कि नहीं। टायर अगर फटेगा तभी कार इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मगर कोई भी टायर बस्ट तो नहीं हुआ है। टायर बस्ट नहीं हुआ तो कार ब्रिज से नीचे गिरी कैसे? अभी खिला बस कीला, टायर में कीला लगने से कार इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकती बस। तो वो गोली गई कहाँ? चारों टायरों में से किसी में भी गोली नहीं है, पर गोली चलने की आवाज आई है। मुझे ये देखा, नट एकदम नया है। और बाकी टायर का? ये रहे सर। ये सब तो रस्टेड है। रेडी? और सब नट्स का क्या हाल है? बाकी सारे नट्स को बुरी तरह से जंग लगा है सर, लगता है सालों से खोले नहीं गए। मतलब सर, किसी ने ये टायर बदला है। लगता तो है। तो शायद वही होगा, वो सफेद गाड़ी वाला। मगर ये नट बदला कब होगा? कार के ब्रिज के नीचे गिरने के बाद? हाँ, मगर कब? माइंड ब्लोइंग। हमारे वहां से पहुंचने से पहले उसने कार का टायर भी बदल दिया। कमाल है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये खून नहीं है बल्कि एक एक्सीडेंट है। वो तो अच्छा हुआ वो रिकॉर्डिस्ट वहां खड़ा था जिसने ये गोली चलने की आवाज सुनी। ये तो हमें यही लगता कि एक एक्सीडेंट है। या, मगर ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। खून, रणविजय का खून किया गया है। ध्यान से चेक करो, शायद कोई काम का कागज मिल जाए या फिर कोई फोटोग्राफ वगैरह। देखिए,
अभी के अभी ये सब कुछ बंद कर दीजिए और प्लीज प्लीज अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ दी, मगर ये खून का मामला है। क्या खून का मामला? लेकिन सर अभी अभी तो आपने बाहर मुझसे कहा था कि मेरे पति की मौत एक्सीडेंट से हुई है। हाँ, वो एक्सीडेंट करवाया गया है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मतलब मेरे बेटे का खून? मम्मी सब मम्मी सब संभाली सर। किसने किसने मारा मेरे बेटे को? लेकिन सर मेरे पति को कोई क्यों मारेगा? उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। यही बात हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसा लगा था कि रणविजय कुछ बदल से गए हैं? कोई ऐसी बात नोटिस की आपने जो वो पहले नहीं करते थे? और तो कुछ नहीं। हाँ, वो बड़ी देर से घर आने लगे थे। अच्छा, और कुछ? और हाँ, कुछ दिन पहले वो अपने बिजनेस पार्टनर अमित के साथ फोन पर कुछ बात कर रहे थे कि अचानक वो जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगे और फोन रख दिया। मैंने उनसे पूछा भी कि बात क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो अमित के साथ कुछ झगड़ा बगड़ा हुआ था क्या उनका? झगड़ा? सर प्लीज, आप ये सब कुछ बाद में भी पूछ सकते हैं। नहीं, क्या कहनी थी आप? सर पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अमित उनका बहुत अच्छा दोस्त था, दोनों मिलकर कोई बड़ी कंपनी भी खोलने का सोच रहे थे। अच्छा। सर? हाँ काव्य। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा कमरे के बाहर जाइए प्लीज। नहीं सर, हम लोग यहीं रहेंगे। देखिए, हम लोग जो कुछ भी लेके जाएंगे आपको दिखा देंगे। ओके प्लीज। सर, तो ये पता चलता है कि रणविजय अमित से अलग होने वाला था। तभी तो दोनों में लड़ाई हुई होगी सर। सर कहीं इस अमित का तो हाथ नहीं है रणविजय के खून में? हो सकता है। एक काम करो, इस अमित के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। यस सर। सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। पेंसिल से वो एरिया जरा डार्क करो जिसमें कुछ लिखा हुआ था। तो कोई रास्ता है, रूट प्लान। माय गॉड, ये तो उसी ब्रिज का रास्ता है जहां पे रणविजय का खून हुआ था। सर इसका मतलब है रणविजय को किसी ने ब्रिज तक पहुंचाने का रास्ता बताया होगा फोन पर, यानी उसे किसी ने बुलाया। ओहो, बुला के खून किया उसका? मगर बुलाया किसने होगा? दया से एक मिनट, यही है वो पीसीओ, रणविजय को फोन यहीं से आया था। हाँ ये पीसीओ उस ब्रिज के पास है जहां से वो कार गिरी थी। सुनो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? इस नंबर पे तुम्हारे यहाँ से फोन किया था किसने? बता सकते हो किसने किया था? यहाँ तो कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं। वैसे कितने बजे कॉल आया था? दोपहर को 3 बजे। 3 बजे? 3 बजे? 3 बजे? एक लड़की का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है? उस लड़की ने अपना नाम संध्या बताया था, और मेरे ख्याल से वो एक सफेद गाड़ी में आई थी और उसी में बैठकर चली गई। सफेद गाड़ी? उस विटनेस ने भी बताया था ना ब्रिज पे एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। शायद ये वही सफेद गाड़ी होगी। इसका मतलब है कि एक लड़की ने रणविजय को वहां बुलाया और उसका खून कर दिया। आप बता सकते हैं कि वो लड़की दिखती कैसी है? आप बार बार पेन चला रहे हैं इस बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यही तो कमाल है इस पेन और इस बोर्ड का, सब कुछ इनके दिमाग में आ जाता है और कंप्यूटर पर चला जाता है। दया, उस लड़की ने रणविजय को क्यों मारा होगा? कोई तो कारण होगा, नहीं तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाती वो? मुझे लगता है ये लड़की रणविजय की गर्लफ्रेंड होगी, उसने उसे धोखा दे दिया होगा।
हाँ सर, उसका इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा हो। अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड होती तो आसपास ही किसी होटल में मिल सकता था, इतनी दूर जाकर क्यों मिला उससे? पर टायर पे तो गोली उसी ने मारी होगी सर, क्योंकि वहां पर तो कोई और था ही नहीं। कावेरी, कभी कभी 20-25 मीटर से भी आगे कोई टारगेट हो और सीधी तरह से खड़े होकर भी निशाना लगाने के बाद भी कभी कभी गोली निशाने पर नहीं लगती, और ये तो चलती हुई गाड़ी थी। ये तो कोई अच्छा शार्प शूटर ही हो सकता है जो ऐसा निशाना लगा सकता है। मतलब सर, उसके साथ में कोई और आदमी भी था? हो सकता है। सर, अमित गायब हो गया है, उसका घर और ऑफिस दोनों हमने छान मारे पर वो कहीं नहीं मिला। और सर, उसके सर्वेंट से पता चला है कि वो कल रात से घर नहीं आया है सर, उसका मोबाइल भी बंद है। सर, हो गया सर। ये है वो लड़की। लावण्या, अपने रिकॉर्ड चेक करो, देखो इस लड़की का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? यस सर। एक बात बताओ, क्या लड़की पहली बार तुम्हारे पीसीओ में आई थी या पहले भी कभी आ चुकी है? सर, ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छी तरह से याद करो, देखो ये लड़की। सर, हाँ, ये औरत हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है? अरे, ये ब्यूरो में बच्चे की रोने की आवाज कैसे? फ्रेडरिक्स, क्या किसी ने बच्चा लाया है यहाँ पर? सॉरी सर, सर मैं अपना मोबाइल साइलेंट करना भूल गया सर। सर, खबरी का फोन है। खबरी का? हेलो, क्या? बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, बीवी पार्टी दे रही है? अरे नहीं नहीं सर, अमित की गाड़ी मिल गई है सर। कार है तो इसका मतलब अमित भी अंदर ही छुपा होगा। कौन चाहिए आपको? हट जा रास्ते से। कहाँ छुपाए वो? हाँ, रणविजय का खून कर गया। रणविजय का खून? मैं उसको क्यों मारूंगा? वो अलग होना चाहता था तो उसे ऊपर ही पहुंचा दिया है? कुछ दिन पहले रणविजय के साथ फोन पे तुम्हारा झगड़ा हुआ था कि नहीं? हाँ हाँ, झगड़ा हुआ तो था, मगर मगर क्या? मगर क्या? वो दरअसल रणविजय को ये पता चल गया था कि कंपनी चलाने के बहाने मैं कोई दूसरा धंधा भी करता हूँ। कौन सा धंधा बोल, कौन सा धंधा? स्मगलिंग का। तो स्मगलिंग भी करते हो तुम, हैं? जी, मैंने सोचा कि साइड में अगर थोड़ा पैसा और बना लूं तो रणविजय ने मना किया। हाँ, पता नहीं कहां से उसे पता चल गया था इस बारे में। उसे मारा क्यों, बस इतना बता दे। तुम्हारी स्मगलिंग का हम बाद में देख लेंगे। मैंने उसे नहीं मारा, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, आप मेरा प्लीज यकीन कीजिए। तुमने उसे मारा नहीं तो तुम यहाँ छुप करके बैठे हो? वो जैसे ही मुझे पता चला कि रणविजय की मौत हो गई है तो मैं डर गया था। मुझे लगा सबसे पहले मुझे ही पकड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और एक मिनट, तो फिर जरा स्केच दिखा। इस लड़की को देखा है तुमने? ये तो निशा है सर। चलो, एक बात तो सच बोला कि जानता है। कौन है ये निशा? ये रणविजय जिस जिम में जाता था उसमें ये इंस्ट्रक्टर है। ओह, जिम में इंस्ट्रक्टर है। गुड, वन बाय वन, गुड गुड, कीप इट अप एवरीवन, गुड, या स्ट्रेच, यस, गुड, टू थ्री फोर, गुड, कीप इट अप। क्या निशा कौन है? लड़की है। ओह, हमें मालूम नहीं था। आ जाइए, वो है यहाँ पे? नहीं, वो पिछले 3 दिनों से नहीं आ रही है। क्यों, वो काम छोड़ के गई है? नहीं, कुछ बताकर तो नहीं गई, लेकिन आप सब ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं?
हम लोग CID से हैं। आपने रणविजय का नाम सुना है? अब ये मत कहिएगा कि वो एक लड़का है, वो हमें मालूम है। वो मैं नहीं कहूँगी। रणविजय हमारा रेगुलर मेंबर है, वो हर रोज आता है, मगर पिछले कुछ 3 दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये निशा ही सिखाती है उसे? वो उसकी दोस्त थी। और प्लीज ये बात आप किसी को मत बताइएगा, नहीं तो मेरी नौकरी जरूर चली जाएगी। आपका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कुछ काफी गहरा चक्कर है? और आखिरी बार ये दोनों जब जिम में आए थे तो इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, और उसके बाद ये दोनों दिखाई नहीं दिए। अच्छा, ये इस निशा का कोई पर्सनल लॉकर वॉकर है यहाँ पे? हाँ, ये वाला लीजिए सर। लव लेटर SMS और ईमेल के जमाने में। ये निशा और रणविजय के हैं? अगर निशा रणविजय से प्यार करती थी तो फिर उसने रणविजय का खून क्यों किया? अब ये बात तो निशा ही बताएगी। कोई तूफान है लगता है। कहीं निशा अंदर तो नहीं? ये देखिए, गला घोटने के निशान है सर। शायद इसी वजह से मर गई होगी। क्या हो? सर, इस ब्रीफकेस से टकरा गया सर। अरे, पैसों से भरा हुआ बैग? पूरा घर तहस नहस हो रखा है। निशा की बॉडी यहाँ पे पड़ी है और पैसों से भरा हुआ बैग यहाँ बेड के नीचे। इसका मतलब जो कोई भी यहाँ आया था वो पैसे लेने नहीं, कुछ और लेने आया था, कोई चीज ढूंढने आया था। अभिजीत, हाँ, ये चाबी, कहीं ये चाबी इस तिजोरी की तो नहीं? तिजोरी तो खुली हुई है। ओहो, तिजोरी के अंदर एक खुफिया तिजोरी। निशा और रणविजय की फोटो एक साथ? अभिजीत, निशा ने ये फोटोग्राफ संभाल कर छुपा के रखी हुई है, इसका मतलब है निशा कुछ गलत काम कर रही होगी। अरे, ये क्या? क्या? एक्सीडेंट की फोटो। माय गॉड, इसका मतलब निशा को मालूम था कि रणविजय का खून होने वाला है। और शायद निशा ने ही ये एक्सीडेंट भी करवाया है। बॉस, ये कोई बड़ा प्लान है, ब्लैकमेलिंग का प्लान। जो आदमी निशा के साथ मिला होता शायद उसी ने निशा का खून कर दिया ताकि इसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। नम्रता जी, आपसे कुछ बात करनी थी। जी, कहिए। कावेरी, लावण्या। नम्रता जी, एक मिनट आइए। क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी बात करने की? देखिए, तुम जरा अंदर जाओ, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। मैं आपकी इज्जत संभालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए सर्वेंट के सामने नहीं कहा। ये देखिए। मुझे लगा आपको पता था कि आपके पति का इस औरत के साथ अफेयर चल रहा है। माय गॉड, काश काश ये फोटो मैंने नहीं देखी होती। नम्रता,
चुप हो जा, संभालो अपने आप को। ये ब्रीफकेस देखिए आप, ये आपके पति का है? जी नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और आप लोगों ने? जी कुछ याद नहीं आ रहा। फ्रेडी जरा सर्वेंट को लेके आओ। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। सर मुझे कैसे मालूम नहीं होगा? सर, इस ब्रीफकेस को पहचानते हो? हाँ साहब, ये ब्रीफकेस रणवीर साहब का ही है। झूठ मत बोलो तुम। एक मिनट, बोलने दीजिए इसको। साहब उस दिन जब रणवीर साहब घर से निकल रहे थे, तब उन्होंने मुझे ब्रीफकेस दिया था गाड़ी में रखने के लिए। बड़ी ताज्जुब की बात है नम्रता जी, क्या आपको याद नहीं ये सूटकेस किसका है? जी, वो। तुम जाओ। नेहा आपके पति को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए वो इसमें पैसे लेकर उसको देने के लिए गए थे। वहां पे उनकी मौत हो गई। लेकिन सर, उसने मेरे पति का खून क्यों किया होगा? क्या मालूम, वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सर, जब आपको पता है कि उसी ने मेरे पति को मारा है, तो आप उसे पकड़ क्यों नहीं रहे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका भी किसी ने खून कर दिया है। क्या? सर एक बात साफ है, वो जो कोई भी आदमी है जो निशा के घर में घुसा और उसे मार के गया, निशा उसे अच्छी तरह से जानती थी। दरवाजा और लॉक सही सलामत है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो इसका मतलब है निशा ने खुद दरवाजा खोलकर उस आदमी को अंदर बुलाया? जी सर, उसकी मौत गला घोटने से हुई है, किसी ने उसके गले में तार लपेट के पीछे से खींचा है। सर ये देखिए, तार से गला घोटा है। एक बात नोटिस की तुमने, इसके गले में तार ऐसे नीचे से ऊपर गई है, नीचे से ऊपर। तो या तो वो आदमी 6 फुट या 6 फुट से ज्यादा लंबा हो, जिसकी वजह से तार खींचते वक्त ऐसे ऊपर गई। सर ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी नॉर्मल हाइट का हो और ये लड़की निशा नीचे बैठी। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर ऐसा लगता है ये जो लड़की निशा है, इसको किसी ने पैसे दिए थे रणविजय को फंसाने के लिए। इसने रणविजय को फंसाया, उसके साथ फोटो वोटो खिंचवाई और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगे। और तो और, फोटो भी अच्छी तरह से संभाल कर रखे हैं। हाँ सर, एक तो फोटो वैसे की वैसे रखी है, दूसरे किडनैपिंग के पैसे भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। इसका मतलब जो भी आदमी वहां पे आया था वो निशा को मारने के लिए ही आया था। ये बहुत बड़ी साजिश है अभिजीत, इसमें और भी लोग मिले हुए हैं। जिसने भी रणविजय की गाड़ी पर गोली चलाई और निशा का खून किया, उसी ने तो कहा होगा ना निशा को ये सब करने के लिए। बस इस आदमी को ढूंढो इसे। मगर सर, निशा ने तो अपना काम कर दिया था, फोटो भी खिंचवा लिए थे रणविजय के साथ, फिर उसे क्यों मारा? क्योंकि वो कहीं जाकर अपना मुंह ना खोले, किसी को ये ना बताए कि किसने उसे कहा था ये सब करने के लिए। लवण्या एक काम करो, वो फोटोज लेके आओ जो निशा के पास है मेरे, कार वाली फोटो। अभिजीत ये सारे फोटोज अच्छी तरह से फिर से देखो, आगे पीछे कोई नाम वाम है क्या, कोई रबर स्टैंप भी ना। सर ये रहा मॉन्टी फोटो स्टूडियो। मॉन्टी फोटो स्टूडियो, ये कुछ फोटोग्राफ्स है देखिएगा। क्या करूं इनका? एक मर्डर हो गया। मर्डर? ये तो हमारे यहाँ के ही फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन मर्डर किसका हुआ है? ये जो कार है उसके मालिक। ओह माय गॉड, ये फोटोग्राफ तो मैंने ठीक तरह से देखे भी नहीं थे। एक मिनट सर। सर ये फोटोग्राफ तो किसी अनुष नाम के आदमी ने डेवलप करवाए थे। इस आदमी का एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर है? नहीं सर, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये नाम भी गलत ही होगा। कम से कम आप ये तो बता सकती है कि वो आदमी दिखता कैसा है? सॉरी सर, मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ कोई दूसरा आदमी काम करता था, उसने देखा होगा। आप लोग जो स्लिप देते हैं, उसने वो स्लिप तो दी होगी फोटोग्राफ लेने से पहले, उसके बिना तो आप लोग फोटोग्राफ देंगे नहीं उसे? हाँ सर, जरूर दी होगी, मैं अभी चेक करती हूँ।
सब थैंक्स यू वेलकम थैंक यू सर उस फोटो के रेसिप्ट पे दो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं एक उस लड़की का है जो वहां मौजूद थी और दूसरा किसका है दूसरा इसका है अरे ये तो वो है विक्रम हां विक्रम शार्प शूटर सर ये तो गुल्लू गैंग का खास आदमी है ये जेल में था ना हां सर पर ये जेल से भाग गया था और आज तक पकड़ा नहीं गया गोली इसी ने चलाई है मैं कह रहा था ना कि निशा इतनी एक्सपर्ट नहीं कि चलती गाड़ी के टायर पर गोली चला सके हमारा अंदाजा सही था ये गोली निशा ने नहीं बल्कि विक्रम ने चलाई है सब हाँ वो जो फोटोज मिले थे निशा के घर में से वो सब एक के बाद एक खींचे हुए हैं सर वही जो मोटरसाइकिल कैमरा पर लिए हैं यस सर वो सारे फोटोज मैंने एक साथ मिला दिए हैं और साउंडट्रैक के साथ भी गुड चलो दिखा विवेक रुको जरा ये फिर से दिखा रुक जा एक बार और अब इस गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर जूम करो यस सर ये तो बंदूक का फ्लेयर है जब फायर करते हैं तो हाँ इसका मतलब है अभिजीत किसी ने गाड़ी के पीछे से गोली चलाई है साइड से नहीं अभिजीत तुम लोग उसी जगह जाकर वापस चेक करो देखो गोली चलाने वाला वहां पे कहां खड़ा था उस फोटो की लोकेशन के हिसाब से फोटोग्राफर ने चलती हुई गाड़ी की फोटो इस एरिया से निकाली है ये यहाँ और अगर फोटोग्राफर की पोजीशन ये थी तो गोली यहाँ पीछे से चली होगी कार के रेयरव्यू मिरर में जो फ्लेयर था उस हिसाब से तो गोली इसी तरह से चली है और अगर गोली इस तरह से चली है तो हमें इस एरिया को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए शायद वो गोली चलाने वाले यहाँ कोई सुराग छोड़ गया करेक्ट देखो देखो सर यहाँ ब्रिज के नीचे जूतों के निशान है सर ये खूनी का तो नहीं देखते निशान कहाँ तक जाते हैं फुटप्रिंट मिले हैं कुछ और भी मिल सकता है सर ये देखिए वेरी गुड इस गन से इसके मालिक का पता चल जाएगा सब गड़बड़ हो गया सर गन के ऊपर एक भी उंगली का निशान नहीं है अच्छी तरह से साफ ऑफ करके छुपा दी थी तो इसका मतलब है खूनी ने इसके ऊपर से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए लेकिन उसने गन छुपाई क्यों साथ में लेकर क्यों नहीं गया सही बात समझ में नहीं आ रही है कि वो ये गन लेकर क्यों नहीं गया सर इस गन के मालिक का नाम पता चल गया सर अच्छा कौन है वो उसका नाम है पॉप पॉप सर उस गन का मालिक कोई प्रताप कुमार है सर प्रताप कुमार हाँ सर और उसका पता किसी दूसरे शहर का दिया हुआ है सर एक एक मिनट ये नाम तो मैंने सुना हुआ लगता है सर अच्छा कौन है कहाँ है लवण्या जरा वो रणविजय की फाइल लेकर आओ ये लीजिए सर ये रहा सर ये देखिए ये रणविजय ही प्रताप कुमार है इसका पूरा नाम है रणविजय प्रताप कुमार रणविजय प्रताप कुमार इसका मतलब है ये गन रणविजय की है और उसका खून उसकी अपनी ही गन से हुआ है तो इससे एक बात साफ है खूनी जो कोई भी है उसे ये बात मालूम थी कि रणविजय के पास एक गन है मतलब ये तो हेलो मिल गया कहां पे
खबर पक्की है ना? पिछली बार की तरह तो नहीं होगा? ठीक है, अगर वो मिला तो मैं तुझे नाम दूंगा। किसका फोन था? सर पप्पू कान्या मेरा खबरी है, उसने बताया उसने विक्रम को एक जगह पे देखा है। भाई साहब नमस्ते, जरा देखना आपने इस आदमी को यहाँ देखा है क्या? ये देखा हुआ तो लगता है। यहाँ पे देखा है आसपास? यहाँ भी आया दो तीन बार पान खाने के लिए। हाँ ये वहाँ आता है। गई सर, सब बताता हूँ सब, लेकिन पहले इस पहलवान को यहाँ से हटा दीजिए। जब तक तेरी चोंच नहीं खुलेगी मेरे हाथ चलते रहेंगे, समझा? मुझे पैसे दिए थे। किसने? मैंने कहा ना कि मुझे पैसे दिए थे, अब किसने दिए थे इससे आपको क्या मतलब? किसने दिए थे पैसे? बोल। नम्रता ने। क्या? नम्रता? नम्रता ने किस लिए दिए थे? रणविजय की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी नम्रता को मिलने वाली थी, इसलिए वो चाहती थी कि मैं उसे मार दूं। कुछ तो गड़बड़ है। इस नम्रता को अरेस्ट करो, रणविजय के वकील से मिलना पड़ेगा। ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या है। ये रणविजय की वसीयत है। मेरी मौत के बाद मेरे सारे पैसे और प्रॉपर्टी तीन हिस्सों में बांट देने चाहिए, दो हिस्से नम्रता को और बाकी बचे हुए पैसे माँ और भाई को आधे आधे बराबर बराबर दे देने चाहिए। जी, नम्रता के अलावा पैसे उनके भाई और मम्मी को भी मिलने वाले थे, मगर आधा आधा, जो बचा हुआ है उसमें से आधा। मतलब आधे से ज्यादा नम्रता को? अजय सारा का सारा भी मिल जाता तो भी कोई फायदा नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप, हैं? इतना पैसा उसे मिलने वाला था और आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है इसे मिलकर? एक मिनट, आप जरा हंसना बंद करिए, आप काम की बात करिए, हम लोग यहाँ मक्खियां मारने नहीं आए हैं। सर, रणविजय के पास पैसे होते तो देता ना सबको। पैसे नहीं थे उसके पास? सब ठन ठन गोपाल, सर से पाव तक रणविजय कर्जे में डूबा हुआ था, उसने तो अपना बंगला तक गिरवी रखा था। ऐसे हालत में नम्रता को क्या मिलता? इस पेपर को क्या वो खाएगी? तो, नम्रता को ये बात मालूम ही होगी कि रणविजय के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी उसने रणविजय को मारने का प्लान बनाया, मगर क्यों? ये बात वकील साहब आप बताइए, क्योंकि अभी तक ये बात मेरी समझ में आई नहीं। बात बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ है। उसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला था, जो कुछ भी उसे मिलेगा वो इंश्योरेंस के पैसों में से ही मिलने वाला है। उसने इंश्योरेंस करवा के रखी है? हाँ जी। तो कितना पैसा मिलने वाला है नम्रता को इंश्योरेंस से? हाँ दया, क्या घर खाली है? कहाँ चले गए सब लोग? सब गायब है? ठीक है, हम लोग आते हैं, कुछ गड़बड़ है। हाँ तो वकील साहब मैं पूछ रहा था कितना पैसा मिलने वाला था नम्रता को? ले लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ दे, यहाँ पे हैं लोग? हाँ, मोबाइल नेटवर्क सर्विलेंस के साथ से वो लोग यहीं गई है, इसी एरिया में। भाग के जाएंगे कहाँ? आप
यहाँ कैसे? मुझे मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उसे उसे नितिन को मारने की कोशिश ही, अब वो मुझे भी मार देगी। प्लीज बचा लीजिए। किसने मारा? नम्रता। नम्रता? हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। नम्रता, नम्रता गोली मत चलाना। नम्रता, गन नीचे रख। गन नीचे रखो। सर, आप इसके बातों में बताइए, ये झूठ बोल रही है सर। आप किस ऑफिसर को इसी ने घायल किया सर? नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। रणवीर जी का खून इसी ने किया है। नहीं सर, आप इसके बातों में बताइए, ये झूठ बोल रही है सर। सर मुझे बचा लीजिए सर। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी तरफ गन क्यों तान रहे हैं? इसे इसे अरेस्ट कीजिए ना। नम्रता, गन नीचे रखो, हमें सच्चाई मालूम है। सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे पति को मार डाला है। नम्रता, हमें सब पता है, इन्हें इनके किए की सजा मिल जाएगी। गन नीचे करो। नहीं, गन नीचे करो। नहीं बच्चे। सर सर, इसे अरेस्ट कीजिए। इसी ने रणवीर का खून किया, मैं कह रही हूं, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बस, जब हमें पता चला कि रणविजय की 6 महीने पहले एक पॉलिसी कराई गई है, जिसमें एक स्पेशल क्लॉज था कि अगर रणविजय की मौत एक्सीडेंट की वजह से होगी तो पॉलिसी कराने वाले को दुगने पैसे मिलेंगे, और वो पॉलिसी किसने कराई थी? आपने रणविजय के एक्सीडेंट का प्लान करवाया। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने ही बेटे का खून करवा दिया। वो मेरा सौतेला बेटा था और मैं चाहती थी कि सारा पैसा मुझे मिल जाए। क्या मिला ये सब करके? अब जिंदगी भर जेल में इंश्योरेंस का प्रीमियम भरती रहना। Thank you.